कुछ लोग अपना काम करने और दूसरों से अपना काम निकालने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। किस व्यक्ति से किस तरह से क्या काम निकालना है इसमें उनको महारत हासिल होती है। साम दाम दंड भेद कुछ भी उपयोग करके वे सामने वाले से अपना काम निकलवा ही लेते हैं। ऐसे लोग इसी वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा फेमस भी होते हैं और कई बार ऐसे लोगों को इसलिए बहुत से लोग मजाक में नटवर लाल भी कह देते हैं कि भाई ये तो गंजे को भी कंघी बेच डालेगा, ये तो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। क्या योग होते हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो उसको इतना एक्सपर्ट बनाते हैं, इतना टैलेंटेड बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ज्योतिष योग के ऊपर चर्चा करने वाले। ये योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि बुध और राहु युति से या फिर त्रिकोण से संबंध बनाते हैं। क्या क्या इस योग के नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये लोग बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, उसका रीजन क्या है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का संबंध बनेगा तो ये लोग बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होंगे। रीजन क्या है, बुध है आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है और राहु जैसा कि आपने सुना होगा मायावी ग्रह है। राहु ट्रिक्स को शो करता है, जादू को शो करता है। तो जब किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर राहु का प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। और जब इस योग में शनि का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। इस वजह से किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। इसी वजह से इनके प्रोफेशन में इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, किंतु इसका एक नुकसान यह भी होता है कि इनके बिजनेस पार्टनर्स भी कई बार इन पर भरोसा नहीं करते हैं। किंतु ये इतने ज्यादा ट्रिकी होते हैं कि सामने वाले को किस तरह से इंप्रेस करना है, किस तरह से क्या काम निकालना है वो ये कर लेते हैं, किंतु हकीकत यही है कि सामने वाला इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बहुत तेज है, बहुत चालाक इंसान है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जहां पर जाकर बैठेंगे वहां पर लोगों का दिल जीत लेंगे, क्योंकि बुध है आपकी वाणी और राहु एक्सपर्ट यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि राहु ट्रिक को शो करता है, माया को शो करता है, तो इस तरह से बोलेंगे सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाएगा और यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि ये किसी भी तरह से सामने वाले से अपना काम निकलवा लेते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र का पॉजिटिव होना, चंद्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्र किसी व्यक्ति की कुंडली में इस योग के साथ पीड़ित है या पाप प्रभाव में है तो ये योग नेगेटिव रिजल्ट्स भी देगा। नेगेटिव रिजल्ट देगा कि ऐसे व्यक्ति को एडिक्शन हो जाएगा, ड्रग्स का, शराब का, अलग अलग तरह के एडिक्शन ऐसे व्यक्ति के लाइफ में पाए जाते हैं। क्योंकि बुध तो आपकी बुद्धि है और चंद्र है आपका मन, जब दोनों ही पाप प्रभाव में आ जाएंगे, राहु जैसे ग्रह के प्रभाव में आ जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां पैदा कर देंगे, मानसिक विकार भी दे सकता है। क्योंकि चंद्र और बुध जो कि दोनों ही आपके मन और बुद्धि के कारक हैं वो शनि और राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव में आ जाएंगे तो मानसिक विकार भी दे देगा। आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, आलसी होते हैं और इसी वजह से ये लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। आप हैकर्स की कुंडली में, स्पेशली हैकर्स की कुंडली में इस तरह के योग देखेंगे। अगर आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली में होता है या फिर ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं होती, फाइनेंशियली कह लो या सोशली कह लो या हेल्थ वाइज कह लो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलती है। किंतु ऐसे व्यक्ति के दादा के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, स्पेशली कॉमर्शियल और या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बंजर पड़ी हुई हो। और ऐसे व्यक्ति के दादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके कुछ कमाते हैं, किंतु इस युग का ऐसे व्यक्ति के पिता और संतान पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए पिता और संतान से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम मिलेंगी ही मिलेंगी। फादर की हेल्थ पर, उनकी आयु पर नुकसान देता ही देता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। अगर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स या पॉजिटिव एस्पेक्ट इस पर नहीं है, साथ ही साथ पुत्र संतान प्राप्ति में ये योग परेशानी देता है। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में पुत्र संतान का डिनायल होता है वहां पर ये योग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, या फिर पुत्र संतान देने के बाद पुत्र को
एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा लाइफ स्टाइल या फिर कहें कि अच्छी इम्यूनिटी कई बार ये योग नहीं देता है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की संतान या पुत्र संतान, स्पेशली बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा, कहीं ना कहीं गलत राह पर चला जाता है और उस वजह से अपना नुकसान होता है। ये लोग आपको कई बार सट्टेबाज भी मिलेंगे। रिक्स लेना इन लोगों की एक नेचर होती है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में बुध छह भाव का स्वामी है, तीन भाव का स्वामी है, तो और उसका प्रभाव जब शनि के ऊपर आता है तो ऐसे लोगों के अंदर रिक्स लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। लॉटरी खरीदना, शेयर मार्केट में पैसा डालना, लोगों के ऊपर ब्लाइंडली पैसा लगा देना, इन लोगों की नेचर होती है। और अगर एट हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव है तो ऐसे लोग उससे कमाते भी हैं। अगर देखा जाए तो इन लोगों के अपने वर्क प्लेस पर मल्टीपल रिलेशंस भी होते हैं, और ऐसा भी देखा गया कि कहीं ना कहीं इन लोगों की अपने वाइफ के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती है, और इस वजह से ये कह सकते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो अगर मंगल की राशियों में योग बन रहा है तो ऐसे लोग टेक्निकल वर्क में, और शुक्र और बुध की राशि में ये योग बन रहा है तो ऐसे लोग फाइनेंशियल वर्क में अक्सर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क में ये लोग मास्टर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैकर्स के कुंडली में आपको ये योग स्पेशली मिलेगा ही मिलेगा। इस योग के और भी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स में बात करें तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, और उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को गेन करने के बाद किराए पर दे देता है और उससे लाइफ टाइम उससे इनकम करता रहता है। नए नए इन्वेस्टमेंट के तरीके ये लोगों को सूझते रहते हैं, तो ये इस योग के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और ऐसा देखा गया है कि लाइफ के फर्स्ट फेज में स्पेशली 30-32 साल इन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में योग है तो बहुत सारे लोग अक्सर ये मुझसे स्पेशली कमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरी कुंडली में योग है और मुझे इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, जैसा कि आप अपने वीडियो में कह रहे हैं। तो अक्सर देखा गया है कि 32 साल से पहले ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, स्टार्टिंग पीरियड उनकी लाइफ का स्ट्रगल वाला होता है, और उसके बाद वे अपनी ट्रिक्स से, अपने माइंड से, अपने प्रयासों से अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करते हैं और काफ़ी प्रॉपर्टी और काफ़ी धन ऐसे लोग अर्जित कर पाते हैं। मगर इन लोगों को अपनी बैड हैबिट्स पर कंट्रोल रखना ही रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो भी एडिक्शन उनके हैं छोड़ दें, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह का बनाएं कि कोई बड़ा एडिक्शन उनको ना घेरे, फीमेल इंट्रैक्शन कम करें, और साथ ही साथ बिल्कुल ब्लाइंडली रिस्क ना लें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स के बहुत ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं, और एक ओल्ड एज में इन लोगों को मेमोरी लॉस या फिर मेंटल इश्यूज कई बार देखे गए हैं, तो उसके लिए इन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।